गट जो कहा जा रहा है, इनेलो का जो कट गया, अब की बार कमल खिलने का काम होगा या गट तोड़ने का काम किया जाएगा? ये गढ़ वाली बात आप भाई साहब से पूछ रहे राजाओं के, अब गढ़ हो गए खंडर। क्यों इस्तीफा दिया था, किस मकसद को लेकर के दिया था, क्या वो मकसद पूरा हो गया, क्या जो बात उन्होंने कही थी वो पूरी कर ली, आज चुनाव की नौबत दोबारा क्यों आन पड़ी? उनकी जो सुनैना चौटाला जो है वो आरोप लगा रही है कि नक्सलियों जैसे हालात बना दिए हैं इलाहाबाद में। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गोपाल कांडा हमारे साथ में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यहाँ से तीनों पार्टियों की तरफ से जो है चुनाव प्रत्याशी जो मैदान में हैं। गोपाल जी, लगातार आप मैदान में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं लेकर के जो है आप क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, जो इलाहाबाद में पिछले जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो नहीं करवा पाए? समस्याएं लेकर नहीं जा रहा मैं तो समस्याओं के निदान के लिए जा रहा हूँ। समस्याएं जो बनी हुई हैं उनसे निदान हो, इलाहाबाद की जनता का उनसे छुटकारा मिले, इसीलिए हम आए हैं कि एक सेवादार व्यक्ति जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके बीच में लेकर के इलाहाबाद के 15-20 सालों से विकास की जो गति रुकी हुई है उसको गति दें। जो यहाँ पे ये गढ़ जो कहा जा रहा है, इनेलो का जो कट गया, अब की बार कमल खिलने का काम होगा या गढ़ तोड़ने का काम किया जाएगा? ये गढ़ वाली बात आप भाई साहब से पूछ रहे। गढ़ होते थे राजाओं के, अब गढ़ हो गए खंडर। प्रजातंत्र में गढ़ नहीं, जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जनता जिसको चाहेगी उसका गढ़ होगा, उसकी ताकत होगी। तो ये निर्णय करना यहाँ के जागरूक मतदाताओं के हाथ में है। गढ़ वाले तो खंडर हो गए गढ़। अजय जी, अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और जेजेपी के कि सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको कहीं सरकारी मशीनरी नजर आ रही है? आप मुझे ही बता दो। प्रचार करने जा रहे हैं, आगे पीछे फोर्स रहती है, पूरी फोर्स का है। उनकी जो सुनैना चौटाला जो है वो आरोप लगा रही है कि नक्सलियों जैसे हालात बना दिए हैं इलाहाबाद में। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब और कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है कहने के लिए, तो ये कहनी शुरू कर दी। फोर्स तो उनके साथ भी जाती है। ये प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है। चुनाव आयोग की हिदायत से इतनी सारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, इसीलिए लगी हुई है ताकि इलाके में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। अभय जी, जो वोट मांग रहे हैं बीजेपी भी जो वोट मांग रही है वो कह रही, जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो आंदोलन 11 महीने हो गए वो कह रहे कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिए, दोबारा फिर चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों इस्तीफा दिया था, किस मकसद को लेकर के दिया था, क्या वो मकसद पूरा हो गया, क्या जो बात उन्होंने कही थी वो पूरी कर ली, आज चुनाव की नौबत दोबारा क्यों आन पड़ी, क्यों इस इलाके के लोगों को चुनाव में दोबारा झोंकने का काम किया? ये तो वही जवाब दे सकते हैं इसका। जिस तरीके से आप मैदान में जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको माहौल यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी को जीत को लेकर? हमारा काम मतदाता के दरवाजे पर जाकर के अपनी बात कहने का है, निर्णय करना मतदाताओं का काम है। 30 तारीख को ये लोग निर्णय करेंगे, परंतु जो उत्साह और जोश लोगों में दिखाई दे रहा है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि इस घमंड को चकनाचूर करने का निर्णय लोगों ने ले लिया है। बात करेंगे जिस प्रकार से सवाल उठाए रहे हैं गोविंद कांडा जो अपने यहाँ पे प्रत्याशी हैं, क्यों प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, जो आपकी जो पार्टी है उससे प्रत्याशी? पार्टी तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, गठजोड़ के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, कमल के फूल का निशान है। जीत को लेकर के क्या कहेंगे अच्छे तरह? जीत के लिए तो लोगों को मालूम है कि एक तरफ देखो कब्जा दबजा वाली पार्टी है जिनका काम ही है कब्जे दबजे करना करवाना, और एक तरफ जननायक जनता कर रहे हैं, और उसके बारे में दावा है कि अब की बार जो गढ़ है वो राजाओं के होते थे, अब की बार जो है कमल खिलाने का जो यहाँ पे काम किया जाएगा। इलाहाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।